नमस्कारम, यहाँ से आपके लिए शुरू होने जा रही हैं केरला की ट्रैवल वीडियोस विद द केरला गाय हिमसेल्फ। सबसे पहले मैं आपको अपनी लोकेशन बता दूं, हम खड़े हैं KSRTC बस स्टैंड सर चालकगुड़ी करेक्ट। और आज हम अपनी ऑडियंस को क्या दिखाने वाले हैं? आज हम मलक्कापारा जाने वाले हैं। मलक्कापारा का मतलब है पलटी लगा के जो पत्थर है, पा मीन्स पत्थर, पलटी मलक्का, तो ऐसा कुछ नाम आ गया। मलक्कापारा को जा रहे हैं जो जंगल से हम पास कर देंगे। तो KSRTC एक टूरिज्म बस रन करती है, तो इस वाले व्लॉग को पूरा देखिए। अगर आप केरला घूमने आ रहे हैं तो इस वाले हम आपको मलक्कापारा एक दिन का प्रोग्राम है जी। इट्स ओनली फॉर टूर, नॉट फॉर पैसेंजर सेलोन। सो दे हैव स्टार्टेड नाउ टू मेक द रेवेन्यू टूरिज्म। करेक्ट। तो पूरा सम स्पेशल, यस, पूरा व्लॉग देखिए, कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। और केरला आगे तो आप पूछिए मत, गॉड्स ओन कंट्री। तो चलिए थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज विद द केरला गाइस। मजा आएगा भाई। पहले करंट टाइम देख लीजिए, दिस इज 7:34 चालकगुड़ी बस स्टैंड पर। हमारे साथ पर्सन मौजूद हैं जो ये टूरिज्म का सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम डोमिनिक परेरा है, मैं इधर चालकगुड़ी KSRTC का इंस्पेक्टर है जी। और सर, जो ये हमारा मलक्कापारा का जो बस है, इसके बारे में सर थोड़ा डिटेल्स हम जानना चाहेंगे। ये किस किस डे को रन होता है? मलक्कापारा तो अच्छा जगह है, क्या कहते हो, 55 किलोमीटर पूरा जंगल है। जंगल में सवारी करते हैं हम लोग। ज़्यादा लोग जंगल ज़्यादा पसंद लगा आया तो ज़्यादा आदमी उधर जाने के लिए इधर आ रहे हैं। सर, कौन कौन से डे को बस रन होती है इधर? पूरा संडे में, सेकेंड सैटरडे में, पब्लिक हॉलीडे में हम लोग ऐसा टूरिज्म KSRTC करते हैं। अच्छा, और सर इसका कॉस्ट क्या है वन पर्सन का? एक आदमी को 300 रुपीज़ हम लोग प्राइस देते हैं। अच्छा, और सर इसकी ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है? ऑनलाइन नहीं है, हम लोग का फ़ोन नंबर देते हैं, फ़ोन नंबर में आप लोग को बुला के बाद हम लोग इधर बुकिंग करते हैं। उसके बाद कॉर्पोरेशन का अकाउंट है, इसमें पैसा डालने के लिए हम लोग इसका QR कोड देते हैं। और सर, मलक्कापारा का दिन में सिर्फ एक ही बस है, कितना सर्विस है यहाँ से? इधर से टूरिस्ट हम लोग 4 से 9 बस तक हम लोग देते हैं। अच्छा, तो आप समझ गए ना, बट इन्होंने हिंदी में शेयर किया है। थैंक यू सो मच सर, somehow आई कन्विंस्ड हिम। तो अगर आप लोकली ये केरला से वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ मैनेज कीजिएगा, बिकॉज मैं मुंबई से हूँ, तो ये वाली वीडियो पूरी हिंदी में होने वाली है, बट कोशिश करेंगे लोकल लैंग्वेज में। थैंक यू सो मच सर। जो हमारी टूरिज्म वाली बस है वो है ये वाली। अब जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, ऑनलाइन देखा है मलक्कापारा के बारे में, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और केरला का तो आपको पता ही है, नेचर ही नेचर है यहाँ पर। तो ये टूर आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। इस वाले व्लॉग को मैं तो आपसे ये कहूँगा, फिर से यही कहूँगा, वर्चुअली पूरा देखिए। आई गेस इन नेक्स्ट 10 मिनट्स वी आर रेडी टू डिपार्ट। पैसेंजर्स ऑलरेडी अंदर बोर्ड कर चुके हैं पूरा ग्रीनरी के थ्रू। और यहाँ से मलक्कापारा का जो डिस्टेंस है, मैं आपको बता दूँ, कुछ 4 से 5 घंटे का। बट बिकॉज क्या है, ये बस अलग अलग स्टॉप्स पर रुकती है, अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी रुकती है, तो वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो इस वाली बस जर्नी में वो सब आप वर्चुअली मेरे साथ एक्सप्लोर कर पाएंगे। अगर आप केरला घूमने आ रहे हो, जैसा मैंने आपसे कहा, ये वाला टूर बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बस ड्राइवर अन्ना का वेट हो रहा है, एक बार वो आ जाएं और फिर सफ़र की एक और व्लॉग की ट्रैवल वीडियो की शुरुआत करते हैं। टूर की शुरुआत होने से पहले इन दोनों से आपको मिलाना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ हैं ड्राइवर अन्ना, जो पूरे टूर में हमको ड्राइव करने वाले हैं, और हमारे साथ गाइड। सबसे पहले गाइड जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? सजित। और ज़रा जिस्ट में बताइएगा, शॉर्ट में, इस टूर में हम क्या क्या पॉइंट्स देखने वाले हैं? ओके, फर्स्ट अदरपल्ली वाटरफॉल्स एंड सेकंड वाड़चाल एंड थर्ड चारपा एंड दूसरा आप लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, लोकल लैंग्वेज आप बोल लीजिए। उसके बाद ओके, നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ നിർത്തി പോകുന്നത് അതിരപ്പള്ളിയാണ്, അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റിലാണ് നമ്മൾ നിർത്തി പോകുന്നത്. സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിന് ശേഷം ചാർപ്പ വാട്ടർഫാൾസാണ്, അതിലും ഇതുപോലെ വ്യൂ പോയിൻറ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നിർത്താനായിട്ട്. 10 മിനിറ്റ് സമയമാണ് നമുക്ക് അവിടെ തരുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും. അതിനുശേഷം അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ വാഴിച്ചാൽ ഇറങ്ങി ഉള്ളിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് കറങ്ങി വരാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് പിന്നെ ഉള്ളത് പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പാണ്, നമ്മളെ ഷോളയാറിലുള്ള പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പുകളാണ്. അവിടെ ടർബൈൻ കറക്കുന്നതിന് മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ഷോളയാറിലെ ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ടർബൈൻ കറക്കി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ പറയണത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡാം കാണാം. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ്
മലക്കപ്പാറയാണ്. जिसको समझ आया प्लीज जरा कोशिश कीजिएगा इंग्लिश में नीचे कमेंट में टाइप कर दीजिएगा. थैंक यू अन्ना, आई कैन अंडरस्टैंड. और ड्राइवर अन्ना, आपसे जानना चाहेंगे इस टूर को यहाँ से जाने में और वापस बस स्टैंड आने में लगभग कितना टाइम लगेगा? पूरा 12 आवर्स का लगभग पूरा टूर है. तो पूरा हम टूर सब देखने वाले हैं और ग्रीनरी नेचर वगैरह पूरा आपको दिखाएगा. आज मैं आपको दिखाएगा हैशटैग केरला. चले अन्ना शुरुआत करें, आइए. एक घंटे की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंचे हैं टूरिस्ट स्पॉट नंबर 1 और ये है अतिरापल्ली वाटरफॉल. अगर आप देखोगे सब टूरिस्ट यहां पर उतरे हैं, फोटोग्राफी वगैरह सेल्फी वगैरह सब कुछ चल रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सोच रहे होगे खाने पीने का. सर हमने एक ब्रेक लिया था, इससे पहले हमने ब्रेक लिया था, वहां पर फर्स्ट क्लास खाना वगैरह सर्व किया गया. कुछ था केरला परोठा, आपम, पुट्टू, बट वही है उसमें एवरीथिंग. टिकट में कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. बट दिट इज नॉमिनल प्राइस. यस, हम सोच रहे थे 300 rupees वन वे का है, बट हमको अभी पता लगा है 300 rupees पर पर्सन अप एंड डाउन दोनों. यस सर, ये तो कितना चीप है. और आप सोचिए 4-5 स्पॉट आपको दिखाई, 12 घंटे का रास्ता है, रोक के बताइए, आराम करके ही जाते हैं हम. पर आप ये वाटरफॉल देखिए, यहाँ पर कितने लोग उतरे हैं, सब अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी लोग आ रहे हैं, सब फोटोग्राफी वगैरह यहाँ पर चल रही है. चल क्या कह रहा पड़ेगा, यही तो है बेस्ट सीन्स. यस, फोटोजेनिक प्लेस है, लेकिन अभी थोड़ा पानी कम है, बट यही है गर्मी की वजह से. यस, बट यही है केरला. अभी तो आप देखते जाइए, टूर की महज शुरुआत हुई है. दिस इज अतिरापल्ली वाटरफॉल्स. नियर बाय अनदर वाटरफॉल भी है. ये अतिरापल्ली में ही बाहुबली का शूटिंग हुआ था, वाटरफॉल में भी हुआ है. एंड रावणन एंड रावण वो दोनों मूवी का भी शूटिंग इधर ही हुआ था. देन सो मेनी तमिल मूवीज आर शॉट हियर, पैया, देन सो मेनी. सो दिस इज़ अ वेरी गुड लोकेशन. बाहुबली में ये मशहूर हो गया, ये वाटरफॉल मशहूर हो गया. थोड़ा कॉम्बिनेशन सीन्स भी है, इसीलिए अच्छा हो गया. एंड दिस इज़ वन ऑफ द, नाउ इफ यू सी वाटर इज लेस बिकॉज ऑफ समर. टूरिस्ट स्पॉट नंबर 2 और इस टूर का सबसे अच्छा स्टाइल ये है, बस बोर्ड कीजिए, फिर उतर जाइए, फिर घूमिए और फिर बोर्ड कीजिए. सर अभी हम टूरिस्ट स्पॉट नंबर 2, बताइए कहाँ पर आए? वाटरफॉल में आ गए हैं. वाटरफॉल अतिरापल्ली के बाद वाटरफॉल आए हैं. ये भी वाटरफॉल है, लगता है कि इसमें पानी ज़्यादा है अभी. बढ़िया वाटरफॉल है, दिस इज चालकटोरी पूजा. उम्मीद है आपको साउंड क्लियर होगी. थोड़ा सा यहाँ का अगर वेदर प्लेजेंट होता ना, घूमने में मज़ा आया था. बड़ा भी वाटरफॉल देखिए भाई साहब. और यहाँ पब्लिक देखिए सर, क्या गर्मी ज़्यादा है, पब्लिक भी ज़्यादा है. क्या पब्लिक यहाँ पर घूमने आई है. तो अगर आप केरला के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हो, मेक श्योर ये वाला बस टूर. yes. सर हम कहाँ जा रहे हैं लास्ट स्टॉपेज? अभी लास्ट स्टॉपेज मलक्का पारा जो ये बस टूर है, एक दिन का प्रोग्राम है, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा. गार्डन वगैरह, बट इसका आपको बता दूँ एंट्री फीस है पर पर्सन सर कितना? 50 rupees कैमरा के लिए 60 rupees हमने दिया, बट कोई बात नहीं सर, एंट्री फीस दिया. बट सो ब्यूटीफुल यहाँ पर टूरिज्म में सर जो डेवलपमेंट देखा जा रहा है वो कहना पड़ेगा. कभी आ गया तो अभी कविता ही लिखेगा ऐसा. अभी वापस चलेंगे और जाएंगे नेक्स्ट स्टॉप पर. बराबर कुदरत, कुदरत का खेल, कुदरत का सुंदरता. सर यू आर एंजॉइंग? या thank you.
हमारी जर्नी का, हमारे टूर का एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन आप कह लीजिए, हम आए हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी या टर्बाइन आप कह लीजिए कैसे घुमा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ऊपर शोलायर डैम है, हाँ, डैम के उधर से जो पानी आता है जी, ये पानी से, वो पानी से पावर बनाने का ये सिस्टम है, प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर। तो नीचे उधर इधर से आता है पानी, ये वाल्व हाउस है, शोलायर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज द वाल्व हाउस, पावर हाउस, जो पावर बनाते हैं नीचे। बट थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आप सीनियर सिटीजन्स के आ रहे हो, सीनियर सिटीजन्स के साथ आ रहे हो, थोड़ा बहुत सर यहाँ पे वॉक करना पड़ता है, वॉक करना पड़ता है। और बिकॉज हम ज्यादा नहीं है, थोड़ा ज्यादा नहीं है, हाँ, बट थोड़ा है, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। खाना पीना थोड़ा साथ में कैरी कीजिए। और थोड़ा क्या है, दोपहर का है ना सर, वेदर का थोड़ा हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा, बट घूमने में मजा आ रहा था, नहीं कह सकते। देखिए आप देख सकते हो KSRTC की दो दो बस, जंगली जंगल है ये। आप ग्रीनरी तो अलग ही है, ग्रीनरी तो। अगर यहाँ थोड़ी बारिश और हो जाए ना, मतलब बारिश के टाइम में क्या बोलते हैं, जंगल में मंगल सर, उसका मतलब कुछ और होता है। ये तो केरल का शोलायर डैम है, इसके पीछे पड़ा है डैम, शोलायर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होता है इसका नाम। इसी में से पांच पाइप से पानी आकर थ्री में जमा कर देंगे, उसके बाद वो नीचे जाके इतनी डीप में, डब तो इतना ज़्यादा है ना, वहाँ जाके वो टर्मिनल में वो टर्बाइन होता है, वो टर्बाइन में जाके पावर प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिसिटी ये तो बिल्कुल वो लगता है स्वदेश टाइप, याद है स्वदेश? ये तो ये तीन ना, ये तीन पाइपों में पानी जाता है। अरे स्वदेश मूवी दिखाया ना, शाहरुख खान वो जो करता है, अच्छा अच्छा, बिल्कुल वही है ये, या वही, वो भाग के आता है, तो बिल्कुल वही लगेगा आपको। टूर की हमने शुरुआत की थी सुबह 8 बजे के आसपास, राइट नाउ इट इज़ 12:10, 4 घंटे से ज़्यादा टूर को ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हम पहुँचे हैं एक और व्यू पॉइंट, यहाँ पर आप रिवर है और सर डैम कौन सा है? शोलायर डैम, शोलायर डैम वापस आ ही दे, उधर से लंबा दिखता है, दिखाई दे रहा है ना, बराबर वो डैम है, हाँ वो डैम है, वो लंबा है ना, बट आप ये ब्यूटी देखिए, अच्छा हाथी नहा रहे, वो अच्छा उधर हाथी नहा रहे हैं, और यहाँ से मलक का पारा लगभग अभी कितना दूर, सवा घंटा है यहाँ से, सवा घंटा अभी, वो भी ब्यूटीफुल सीनरी है, बराबर ये है ना शोलायर, ये रिवर वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, अबाउट 30 किलोमीटर्स। आप देखिए जितने टूरिस्ट हैं सब उतरे, बसेस यहाँ खड़ी हैं, वापस फोटोग्राफी वगैरह, बट आप ब्यूटी देखिए, नेचर तो मैंने आपसे कहा ना, केरला का आप जितना देखोगे उतना कम, फुल जंगल है, यस पूरा, और मोबाइल नेटवर्क सर, मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है, सिर्फ ओनली BSNL यहाँ पर काम कर रहा है, कुछ भी नेट यहाँ पर भी, एवरीवेयर वी कैन सी ग्रीनरी, ग्रीनरी, यस आप देखिए हिल्स, ग्रीनरी, सब टूरिस्ट वगैरह गाइड वगैरह वो लोकल लैंग्वेज में समझा रहे हैं, तो उनको तो ऑन कैमरा में नहीं ला सकता, यस यस, बट सर वी आर हैविंग फन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यस every mountain there will be hydroelectric project which creates power aur bahut sara water hum bahut altitude par bhi aa chuke hain yes फाइनली हम पहुंच चुके हैं मलक्का पारा एट 1:30 मलक्का पारा, और हमारा टूर यहाँ होता है एंड अब बट आप ये हिल स्टेशन देखिए, व्हाट अ ब्यूटी। वो तो दोपहर में हम आए हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है, अब यहाँ पर हमको ब्रेक दिया गया है 1 घंटे का, yes. खाना पीना खाइए, लंच वगैरह करिए, घूमिए फिरिए सर। दिस इज ये वो है ना सर, टी गार्डन, टी गार्डन, टी एस्टेट, यस, ऑल ओन्ड बाई टाटा, टाटा टी का उनका है सब जे एरिया जी, वो आप देख लीजिए। बस मैं आपसे ये कहूँगा, टूर में आ गया मज़ा, थोड़ी बहुत थकान ज़रूर हुई है इतना ज़रूर कह सकता हूँ। अब आपको बता दूँ, सेम बस लेके हम जाएंगे सर, वो बस वापस जाएंगे हम। वो सर बस स्टैंड कौन सा था? चालकुड़ी, चालकुड़ी हम पहुँचेंगे 6:30-7 बजे के आसपास, बस यही है। तो मैं तो आपसे क्या बोलूँगा,
यस। तो मैं तो आपसे कहूँगा अगर आप वन डे ट्रिप देख रहे हो केरला के लिए, अगर आप यहाँ पर हो तो एक बार एक्सप्लोर जरूर कीजिए। ये समर है इसलिए थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, गर्मी उसके अलावा और कुछ नहीं है। यस, बस के अंदर से ठंडा हवा तो बस फर्स्ट क्लास। यस, आपके सामने एसी लाइक। यस, आपके सामने एक और ट्रैवल वीडियो बहुत जल्द आएगा। हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा सर। इधर आके सब लोगों को बोलने का, ज्यादातर तमिलियन से वणक्कम वो बोलना चाहिए क्योंकि सब लोग अभी एक वीजा நடக்குதுங்க கோயில்ல, மாரியம்மன் கோயில்ல ஒரு வீடா நடக்குது. So one festival is going on in the Mariamman temple. All people are taking food. Great. हम भी जाएंगे. So this is Dulesh signing off from 200 journeys and this is hashtag Kerala guy. भाई साहब आप ब्यूटी देखिए, जहाँ तक आप देखोगे नेचर ही ग्रीनरी, टी नेचर ही नेचर। ठीक है, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में।